हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2018-19 में 80,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेचेगी सरकार, क्या पूरे देश को अमीरों की पूंजी बना देंगे मोदी? मोदी सरकार का आरोप है कि वो देश के संसाधनों को उद्योगपतियों के हाथों में सौंप रही है। कालाधन वापस लाकर सभी की जेब में 15 लाख डालने के वादे पर आई ये सरकार उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 18-19 में विनिवेश के जरिए 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने का उद्देश्य रखा है। इसके लिए केंद्र सरकार 9 सार्वजनिक कंपनी की संपत्तियां बेचने की योजना बना रही है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद लगातार सरकारी संपत्ति को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। 2014 से अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्तियां बेची जा चुकी हैं। सरकार ने 2014-15 में विनिवेश से 31,350 करोड़ रुपये कमाए, 2015-2016 में 25,312, 2016-17 में 45,500 और 17-18 में 1 लाख करोड़ रुपए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एयर इंडिया, पवन हंस, हिंदुस्तान फ्लोरोबार्कन्स और हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट शामिल हैं। बिक्री के लिए इन कंपनियों की संपत्तियां की पहचान कर ली गई है, लेकिन इस तरह से संपत्तियां बेचना जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इस तरह से सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। जो सामान और सेवाएं अभी तक जनता को सस्ते में मुहैया कराए जा रहे थे, उनके दाम बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से ये जो भी वस्तुएं मिलती हैं, उनका उत्पादन सरकारी कंपनियों में ही होता है। इसके अलावा देश के अन्य क्षेत्र जैसे कोयला, तेल और रिफाइन करना, गैस निकालना और आदि के लिए इन मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। इन सरकारी कंपनी के काम कर रहे लोगों के मजदूरों को भी इसी तरह अधिकार होते हैं और उनका वेतन और सुविधाएँ निजी क्षेत्र से बेहतर होती है। लेकिन जब ये सरकारी कंपनियां उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें जनता के फायदे नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए चलाएंगे। यहाँ काम कर रहे मजदूरों से लेकर देश के आम जनता को नुकसान होगा, मुनाफे की ओर में महंगाई भी बढ़ेगी और सरकार सेवाएं महंगी हो जाएगी। इसके अलावा इस प्रक्रिया में चलते अगर सब कुछ बिक जाएगा तो सरकार के पास क्या रहेगा? पूंजीपति अपनी मनमानियों पर ही उतर सकता है, अपने हाथ काट चुकी सरकार अपना पैसा तमाशा देख सकता है, अलावा कोई उसके कोई चारा नहीं है। पांचवा आरोप, नोटबंदी में कांग्रेस को किलो के भाव मिली नोटें, लोग बोले चौकीदार पकौड़े तल रहा था क्या? मोदी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की, जिससे लेकर सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए, मगर सभी दावे खोखले निकले। रिजर्व बैंक ने नोटों की गिनती पूरी की और बता दिया कि बैंक की कई नोट में से 99% से ज्यादा पैसे बैंक में वापस आ चुका है, मगर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, नोटबंदी के दौरान कभी 600 करोड़ रुपए कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए थे। पात्रा ने कहा, कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। ईडी के अधिकारियों की माने तो ये मामला चोरी और हवाला लेन देन का है। टीवी डिबेट के ONGC का निदेशन बनने की ख्याति प्राप्त करने वाले संबित पात्रा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। एक यूजर ने लिखा, और बीजेपी सरकार की सारी एजेंसियां पकौड़े तल रही थी उस वक्त। एक अन्य यूजर लिखता है, जब सब कुछ जानते हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ झूठ बोलना जानता है। अंकित दीक्षित लिखते हैं, काश मोदी जी प्रधानमंत्री होते, काश बीजेपी सत्ता में होती तो शायद कोई एक्शन लिया जाता। और भगत राजीव नाम के यूजर लिखते हैं, इसका मतलब मोदी भी भागीदार है, सब मालूम होते हुए भी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है।
राफेल घोटाले बड़े खुलासे के बाद प्रकाश राज ने किया सवाल, मोदी जी अब आप कहां मुछ पाएंगे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा बड़े खुलासे के बाद पूरे देश में मोदी सरकार की आलोचना बढ़ती जा रही है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र की हस्तियां भी मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राफेल घोटाले पर ओलांद के बयान के बाद हिंदी और तमिल फिल्म के अभिनेता और समाजसेवी प्रकाश राज भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मोदी अब आप अपना चेहरा कहां छुपाएंगे। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने सवाल किया, मोदी सरकार के जवाब मांगने के लिए इसी साल अभिनेता प्रकाश राज ने जस्ट आस्किंग अभियान शुरू किया था, जिसका हवाला देते हुए एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। बता दें, हाल ही में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने मीडिया पार्ट से इंटरव्यू में इस बातें की कि भारत की सरकार ने जिस सर्विस ग्रुप का नाम दिया उसमें डसॉल्ट से बातचीत की। भारत सरकार ने उन्हें सिर्फ अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम सुझाया था और तब डसॉल्ट ने अनिल अंबानी से संपर्क किया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हम तो विकल्प दिया गया उससे हमने स्वीकार किया है। वाराणसी में खाली कुर्सियों को देख पीएम मोदी को आया पसीना, जनता से की अपील, बैठ जाओ बैठ जाओ। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना 68वां जन्मदिन मनाने वाराणसी पहुंचे थे। अगले दिन यानी 18 सितंबर को मोदी का एक कार्यक्रम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर मैदान में आयोजित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले यह उनकी अंतिम सभा थी। इस कथित अंतिम सभा में जो हुआ वो पीएम मोदी को बहुत परेशान करने वाला है। पीएम अपने निर्धारित समय में एक घंटा लेट पहुंचे। सभा का समय 10 बजे निर्धारित किया गया था, जिसके बाद वे 10:30 बढ़ा दिया, लेकिन पीएम 11:14 पर पहुंचे। 10:30 बजे पीएम ने भाषण देना शुरू किया जो 12:22 बजे तक चला, लेकिन इस बीच जो हुआ उसके प्रधानमंत्री के पसीने छुड़ा दिए। पीएम मोदी का भाषण शुरू होने के महज 10-12 मिनट बाद ही पंडाल धीरे धीरे खाली होने लगा। प्रधानमंत्री बोलते रहे, जनता निकलती रही। दरअसल मोदी ने जैसे ही अपने प्रारंभिक संबोधन के बाद 4 साल की उपलब्धियों को गिनाना शुरू किया, जनता खिसकने लगी। पहले पंडाल के पीछे बैठे लोग ने झुंड में निकलना शुरू किया, पीछे की कुर्सियां खाली होती रहीं, लेकिन हद तो तब हो गई जब अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग जत्था भी उठकर चल दिया। हालात ये हो गए कि प्रधानमंत्री को अपने भाषण के बीच में लोगों से अपील करनी पड़ी, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ भैया। पीएम ने अपने घंटे के भाषण में इस वाक्य को 3 बार दोहराया, लेकिन जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। शायद जनता अब जुमले सुनने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीएम का चेहरा हताशा से भरा हुआ था। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे, बार बार पानी पीते रहे, बीच बीच में हाथ भी जोड़ते रहे। कुछ साल पहले तक जिस प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की तुलना इंदिरा गांधी और नेहरू से की गई थी, आज उसके संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें सुनना नहीं चाहती। ऐसा क्या हो गया पिछले 4 साल में? अब इसका जवाब तो जनता ही 2019 में देगी। क्या का खुलासा, गुजरात में मोदी के सीएम रहते 2140 करोड़ का हुआ घोटाला, 16 सालों तक सरकारी खर्चे का हिसाब नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त नारा देने वाली प्रधानमंत्री के गृह राज गुजरात में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया है और ये घोटाला उनके कार्यकाल के दौरान भी हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सालों तक ये सब चलता रहा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्याग ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। गुजरात में भी सरकारी धन के खर्चे के इस्तेमाल में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 16 वर्षों से 19 विभागों के कई मदों में खर्च धन का हिसाब किताब ही नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में आई क्याग की ऑडिट रिपोर्ट में इसका इस गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। ये मामला बिहार के चारा घोटाले जैसा ही है। वहाँ की इसी तरह अलग अलग सरकारी स्रोतों से पैसा निकालने के बाद उनके खर्च का हिसाब नहीं था। वर्ष 2001 में लेकर वर्ष 2015-16 के बीच करीब 2140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इसका सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है।
ये पैसा किसी एक या दो मामलों में गायब नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज़्यादा मामलों में पैसे की गड़बड़ी की गई है। ऑडिट की अवधि जो समय है सिर्फ मई 2014 के बाद का वक्त छोड़ दें तो बाकी समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। ऑडिट के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 14.41 करोड़ के गबन में 155 से ज़्यादा मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2528 कार्यों के लिए जारी 228.03 करोड़ रुपये का हिसाब किताब पिछले 8 साल से अधिक समय से लटका हुआ है। इसी तरह 64 कार्यों के लिए जारी 2050 करोड़ की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 6 से 8 साल बीत जाने के बाद भी जमा नहीं हुआ। वहीं 166.50 करोड़ के 155 से ज़्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र 4 से 6 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं जमा हुए। इसके अलावा 942.45 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 1 से 2 साल के बीच से निलंबित हैं। इतनी लापरवाही तब है जब गुजरात के वित्त मंत्री नियम 1970 और जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005 के मुताबिक किसी भी विशेष योजना के तहत अगर बजट जारी हो तो वित्तीय वर्ष खत्म होने के अधिकतम 12 महीने के भीतर उसका हिसाब किताब सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में जमा कर दिया जाए ताकि पता चले कि धनराशि का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, नियम के मुताबिक जब तक कोई विभाग या सरकारी संस्था जारी बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र ना दे दे तब तक उसे दूसरा बजट न जारी किया जाए। लेकिन नियम सिर्फ कागज़ पर ही जिंदा है क्योंकि 2140 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया और विभागों को इसके बावजूद बजट मिलता रहा। न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।